हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप राइट बिडिंग करेंगे। जी हां, फ्रीलांसर वेबसाइट पे कोई भी प्रोजेक्ट लेने में बिडिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा रोल बिडिंग का ही करता है। जी हां, आपका पोर्टफोलियो और आपका जो प्रोफाइल है, ठीक है, एक बेस बनाता है, लेकिन आपका बिडिंग ही है मेन चीज़ जिसकी वजह से आपको कोई काम मिलता है। फ्रेंड, अगर आपका प्रोफाइल कितना भी स्ट्रांग हो, पोर्टफोलियो कितना भी स्ट्रांग है हो, अगर आपने बिडिंग सही से नहीं किया तो आपको जॉब नहीं मिलता है। और यही दिक्कत होती है जो मेन नए फ्रीलांसर होते हैं, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं इस फ्रीलांसर वेबसाइट पे, उनको इसी वजह से आगे काम नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब एंड हाउ टू अर्न ऑनलाइन, हाउ टू डू जॉब ऑनलाइन और हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, इस टाइप की वीडियो जहां आपको पैसे कमाने का मौका मिले, इस टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके रेड बटन पे एक बार क्लिक करके वहां पे एक घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबाएं और उसको साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले चीज़ें समझिए, एज ए फ्री यहाँ पे आपको अकाउंट, आपको महीने में फर्स्ट टाइम तो 15 बिडिंग मिलती है। जी हाँ, लेकिन आपको फिर रेगुलर 8 बिडिंग पर मंथ मिलता है। 8 बिडिंग मतलब 8 बार जॉब अप्लाई कर सकते हो, 8 जॉब को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना मतलब बिड करना। तो यहाँ आपको 8 मौके मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान से इस 8 मौकों को भुनाना है, मतलब यूज करना है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको बिडिंग उसी पे करना है जिसका काम आपको समझ में आए, मतलब आप उसका ब्रीफ प्रॉपरली पढ़ें और उसके बाद लगता है कि उसमें जो स्किल रिक्वायरमेंट है, मतलब जो स्किल्स मांगा गया है, अगर डेटा एंट्री का है तो डेटा एंट्री स्किल लिखा हुआ है, टाइपिंग स्किल लिखा हुआ है, और उसके साथ अगर एक्सेल या वर्ड फाइल लिखा हुआ है तो आपको वो स्किल आती है तो आप आगे बढ़ें। नहीं तो होगा क्या कि आपका वो चांसेस चला जाएगा, वो बिडिंग कर देंगे उस पर और आपका एक मौका निकल जाएगा। अब हो सकता है कि अगला मौका आपको, अगला जॉब आपके हिसाब से हो लेकिन आपके पास बिडिंग ना रहे, तो इसको आप सही से यूज करें, यूटिलाइज करें। अब आपको मैं बताता हूँ कि बिडिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आपको कोई भी जॉब ढूंढना है, मतलब वहाँ पे आप जाएंगे, ब्राउज प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक किसी ने मैंने किसी को बिड किया था, जस्ट मैं ट्राई कर रहा था यहाँ पे, तो उसका एक फटाक से मैसेज आया मेरे पास, प्लीज़ मेल मी, और यहाँ पे बिडिंग करने का था। तो इसको फिलहाल हटाते हैं, इसको आपको मैं अब दिखाता हूँ कि कैसे किसी काम को बिड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए है जो नीचे आ रहा है, यहाँ पे लेटेस्ट आपका ऊपर दिखाई देता है। अब आपको हेडलाइन से पता लग जाएगा कि किस टाइप का काम है। यहाँ पे देखिए, आई नीड यू टू फिल इन अ स्प्रेड शीट विद डेटा। तो बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ डेटा एंट्री का, लेकिन इसका अमाउंट आपको $173 से $520 के बीच का काम है। तो इस पे अगर बिडिंग करते हैं तो दोस्तों, बिडिंग भी करना है आपको, यहाँ पे माइलस्टोन भी क्रिएट करना है। आपको मैं दोनों दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। इसके नीचे देख सकते हैं जो जॉब है, फाइंडिंग अ डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट पीपल फॉर PDF फाइल एंड MS वर्ड फॉर्मेट बाय मैनुअल टाइपिंग इन होम ऑफिस। कुछ आपको वर्ड फाइल में टाइप करना है और इसका काम है, और इसका देखिए $250 से लेकर के $750 तक का काम है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जॉब की कमी नहीं है, बस आपको प्रॉपरली बिड करना आना चाहिए। आप सपोज कीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेकिन बिड करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका सारा प्रोफाइल कंप्लीट हो। अब फ्रेंड, यहाँ पे देखो, आई नीड यू टू फिल इन अ स्प्रेड शीट विद डेटा, ये आपको मस्ट पढ़ना है। जी हाँ, ये जो डिस्क्रिप्शन चीज़ है, क्योंकि इसी से आपको आइडिया मिलेगा कि काम क्या है और स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री और एक्सेल, तो यहाँ पे आपको एक्सेल आनी चाहिए, डेटा एंट्री आनी चाहिए, ये मस्ट है, तभी इस पर आप आगे बढ़ेंगे। और देखिए जो जो डॉलर में था प्राइस यहाँ पे, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो यहाँ पे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके दिखा रहा है कि काम ये 12,500 से लेकर के 37,500 तक का काम है। अब यहाँ पे प्लेस अ बिड ऑन दिस पेज, बेसिकली ये सेक्शन है जो आपको ध्यान से देखनी है, जो बिडिंग कैसे करते हैं।
और उसके नीचे फिर माइलस्टोन कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अब उस हिसाब से आपको बिडिंग भरना है, प्रपोजल भरना है। मतलब यहाँ पे देखो कि आपको कितना अमाउंट भरना है, आपको बिडिंग अमाउंट, ये आपको बेसिकली देखना है कि जो अमाउंट कह रहा है क्लाइंट कि कितने का काम है, 12,500 से लेकर 37,500 तक। तो फ्रेंड ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कुछ भर दिया उसके बाद में आप आगे पीछे नहीं हो सकता, डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट, जैसे ही आपका क्लाइंट आपको आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो आपसे मैसेज करके बात होगा, वहाँ पे आपको बताएगा कि काम क्या है, और हो सकता है कि और ज़्यादा डिटेल बताए कितनी पेज का काम है, कितना टाइपिंग है, क्योंकि इसमें तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके काम को एक्सेप्ट करके आपको हो सकता है मैसेज करे और पूरा फुल डिटेल बताए, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को आप बिडिंग अमाउंट को आगे पीछे कर सकते हैं और उसमें उसको भी कोई इश्यू नहीं होगा। बट यहाँ आपको सबसे पहले ध्यान देनी है कि आपको बिडिंग राइट रखनी है। तो देखिए कि 12,500 से लेकर 37,500 तक काम है क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। और देखिए फ्रीलांस जो वेबसाइट है फ्रीलांसर, ये इतना स्मार्ट है, आपको ठीक ठीक थोड़ा सा अंदाज़ा करके आपको ऑलरेडी यहाँ फिल करके दिया हुआ है कि 25,000 तक आप यहाँ पे भर लो। तो मेरे ख्याल से ये ठीक लग रहा है, लेकिन कभी कभी होता है कि ये ज़्यादा कम हो जाता है, जिसको आप सीधे वो भरेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जॉब लेना है तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 20,000 रुपीज़ डाल दीजिए और यहाँ आप लिख दीजिए 7 डेज में डिलीवर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे काम कितना है हमें आइडिया नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप मिनिमम 7 डेज लिख दो। अब आपको मेन चीज़ है जो आपको यहाँ लिखना है, आप यहाँ कैसे क्या लिखेंगे, एज जेनरिक यहाँ नहीं लिखना है। फ्रेंड कई लोग गलती यही कर देते हैं, न्यू बिगिनर्स यहाँ पे जेनरिक चीज़ें डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका बिडिंग एक्सेप्ट नहीं करता है क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट को लगता है कि यार इसने तो मेरा काम पढ़ा ही नहीं और वैसे ही उसने बस बिडिंग कर दिया है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ से रेफरेंस लेनी है, जी हाँ, जो प्रोजेक्ट डिटेल होता है वहाँ से। तो क्या कह रहा है कि यू नीड टू फिल इन अ स्प्रेड शीट विद डेटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम एन एक्सपर्ट इन फिलिंग अ स्प्रेड फिलिंग इन अ स्प्रेड शीट विद डेटा, हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, आई नो डेटा एंट्री इन एक्सेल फाइल। देखिए हमने इसको यूज किया एक्सेल फाइल लिखो, इससे क्लाइंट जब पढ़ेगा तो उसको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे एक्सेल आती है, राइट। हमने सिर्फ ये लिखा कि आई एम एक्सपर्ट इन डेटा एंट्री, इतना लिख के नहीं भरना है आपको, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उससे आइडिया लेकर के आपको यहाँ पे फिल इन करना है। आई विल वर्क ऑनेस्टली एंड विद मिनिमम मिनिमम एंड विद मैक्सिमम परफेक्शन परफेक्शन विच इज ए माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। देखिए इस तरह से आप लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 पैरे में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आप अपने क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, यहाँ पे आई हैव डन डिप्लोमा इन डेटा एंट्री एंड टाइपिंग। फ्रेंड ये पॉइंट उसको क्लाइंट को बताएगा कि मैं एवे ही नहीं कर रहा, इसके पीछे मेरे पास क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है
और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएगा। अब फ्रेंड आपको तो बेसिकली इस तरह से आपका बेटिंग करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप माइलस्टोन क्रिएट करेंगे, और माइलस्टोन समझिए सबसे पहले क्या होता है। तो फ्रेंड जो माइलस्टोन होता है बेसिकली जो यहाँ पे पेमेंट होती है, इसको आप स्टेप वाइज कर सकते हैं, नहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि आपको माइलस्टोन क्रिएट करना ही है। लेकिन इससे होगा क्या कि जब आप माइलस्टोन क्रिएट नहीं करते हैं, तो जितना जितना भी काम है आपको काम खत्म होने के बाद टोटल अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप काम करने एक्सेप्ट करते हैं, आपको कुछ अमाउंट मिल जाए, जी हाँ, अगर आपका काम क्लाइंट आपको काम देता है और एक्सेप्ट आप काम करते हैं, तो उसी समय कुछ रुपये आपको मिल जाए, ताकि आपको एक एश्योरेंस हो जाए कि भाई हाँ यहाँ से पैसे मिल रहा है, और उसके साथ ही साथ आपको बीच में लगे कि मैंने ज़्यादा काम है, आधा काम कर दिया है, तो मुझे थोड़ा पैसे चाहिए। क्योंकि होता कई बार मन में रहता है कि यार पूरा काम करने के बाद पैसा दिया नहीं दिए, तो आपको बीच में फिर एक आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप एक माइलस्टोन क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे आप पैसा आधा मिलेगा आप उसका, फिर आपको लास्ट में कंप्लीट करने के बाद पैसे मिलेगा। तो क्या हो गया, ये स्टेप्स में आपको जो पैसे मिलते हैं इसको बोलते हैं माइलस्टोन, जी हाँ। और ये स्टेप्स जब क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं माइलस्टोन क्रिएट करना। अब देखिए माइलस्टोन आपको अगर समझ में आ गया होगा कि माइलस्टोन होता क्या है, अब इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो आप माइलस्टोन देखेंगे जब क्रिएट करेंगे आप, तो टोटल आपका जो अमाउंट होना चाहिए, आपका अमाउंट होगा ये जो टोटल बिटिंग कर रहे हैं। अब फ्रेंड ये 25,000 पहले से आया हुआ, तो इसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि 25,000 ये शुरुआत में ही था। जैसे कि हाँ यहाँ आपने देखा होगा 25,000 था, तो मैंने 20,000 कर दिया बिटिंग अमाउंट, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टोटल माइलस्टोन, यहाँ भी आपको बिड करने से पहले सपोज कीजिए फ्रेंड, अगर सपोज कीजिए आपको यहाँ पे माइलस्टोन क्रिएट नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको प्रोजेक्ट माइलस्टोन जो टोटल है आपको सेम अमाउंट होना चाहिए जितना कि ऊपर आपको दिख रहा है। फ्रेंड एक चीज़ और ध्यान रखें, जब माइलस्टोन आप क्रिएट करते हैं या बिड अमाउंट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाता है कि आपको कितना मिलेगा। यहाँ पे 19,997 रुपये मिलेगा, यानी 250 रुपये आपको फ्रीलांसर वेबसाइट काट लेगा। तो उस हिसाब से आप बिडिंग अमाउंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं आपको यहाँ पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ माइलस्टोन कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि आफ्टर एक्सेप्टिंग द जॉब मुझे कितना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे 5,000। आप मुझे 5,000 चाहिए शुरुआत में ही जब काम मुझे एक्सेप्ट हो जाए, तो यहाँ पे देखते हैं 5,000 लिख दिया। अब आपको यहाँ पे अनदर ऐड अनदर माइलस्टोन, इसका मतलब कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिज हाफ जॉब, हाफ जॉब जब मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मुझे इसका 5,000 और चाहिए। फिर लास्ट में एक और लिखना है, आफ्टर फिनिशिंग द जॉब, कंप्लीट करने के बाद टोटल काम कंप्लीट हो गया, डिलीवर हो गया जॉब, तो मुझे टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 5-5, 10,000, बाकी जो यहाँ पे टोटल अमाउंट बन रहा है यहाँ पे मुझे करना था 20,000, और फिर यहाँ पे 10,000। अब आप हमारा ये माइलस्टोन क्रिएट हो गया है। तो फ्रेंड इसको आप ऐसा नहीं कि एक बार आपने बना दिया तो हटा नहीं सकते, इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शनल अपग्रेड, तो इसको स्किप कर देना है, इसको छोड़ देना है, डोंट टच दिस, और आपका यहाँ पे प्लेस बिड पे क्लिक कर देना है। और फ्रेंड देख सकते हो जो प्रपोजल हमने भेजा है, यहाँ पे प्रपोजल सेक्शन है वहाँ पे दिखा रहा है, और इस चीज़ को आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, और इसके साथ ही साथ इसके नीचे देख सकते हो कि और लोगों ने यहाँ पे भरा है। यहाँ पे किसी ने 27,000 का भरा है, किसी ने 12,000 का भरा है, किसी ने 26,000 का भरा है, किसी ने 12,500 का भरा है, 27,700 का भरा है। तो फ्रेंड आप ही की तरह यहाँ पे कई लोगों ने भरा है। एक चीज़ खास देने वाली बात है, ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है। आप बिडिंग
को उसी समय भरे जल्दी से जल्दी, जैसे ही काम कोई यहाँ पे अपलोड होता है, कोई काम देता है, उससे क्या होता है कि आपका काम, आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाता है। अब मैं आपको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ इसको, और यहाँ पे अब आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास कितने बिडिंग हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बिडिंग समरी, यहाँ पे आपका 6 बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 मैंने बिड यूज कर लिया है इस महीने का, और मुझे 8 में से 6 बिड बचा हुआ है। जो आपने अभी बिडिंग किया है उसको आप कैसे देख सकते हैं वापस, तो उसके लिए आपको यहाँ पे माई प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे व्यू ऑल पे, यहाँ पे जब देखोगे आप तो यहाँ पे एज एक्टिव बिड्स के अंदर आ गया है, और ए एंड डेटा एंट्री का हमने अभी जो बिड भरा है 20,000 का बिड भरा है, इसमें 2034 बिड किसी और लोगों ने भर दिया है ऑलरेडी। और फ्रेंड अब मैं आपको ये जो बिडिंग प्रपोजल है जो भी आपको मैंने करके दिखाया है उसको मैं एक समराइज करना चाहूँगा कुछ बुलेट पॉइंट्स में। आपको इन बुलेट पॉइंट का ध्यान रखना है, और बेसिकली इन पे जब काम करेंगे, इसके हिसाब से काम करेंगे, तो आपका बिडिंग अपने आप सही हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, टेलर योर कंटेंट। टेलर योर कंटेंट मतलब आपको जो राइटिंग करना है, जो राइट लिखना है प्रपोजल, वो आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लिखना है। डिस्क्रिप्शन मतलब जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपको अपना कंटेंट आपको लिखना है, रिप्लाई करना है जॉब के लिए, है ना। अब जो नेक्स्ट है बुलेट, वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जी हाँ, आपको एक लाइन में आपको इंट्रोड्यूस करना है कि आप क्या हैं, व्हाट यू आर लाइक। अभी मैंने लिखा कि आई एम अ डेटा एक्सपर्ट, राइट, तो कुछ इस तरह से, या अगर आप डिजाइनर हैं तो आई एम एक्सपर्ट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, चाहे आई एम एन लोगो डिजाइनर, तो इस तरह से आपको वहाँ पे लिखना होगा। जो नेक्स्ट चीज़ है, हाईलाइट योर क्वालिफिकेशंस। जी हाँ, आपको हाईलाइट करना है अपना क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिडिंग में। आपको अपना कोई अचीवमेंट्स है वो लिख सकते हैं इसके अलावा। इसके बाद जो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आपको ध्यान रखनी चाहिए, कीप इट कंसाइज। जी हाँ, आपको पूरा एक पेज वहाँ पे नहीं भर देना, आपको सिंपली मैक्सिमम 2 पैरा में आपको लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा। जो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है वो है बी सेंसर। जी हाँ, बी सेंसर मतलब आप उसी पे बिड भरें जिस पे आप काम कर सकते हैं, या फिर जो आप लिख रहे हैं वो आप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आती नहीं है और लेकिन आपने बिड भर दिया, मान लिया कि जॉब आपको मिल जाएगा और आप उसको काम नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट के ऊपर, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके साथ जो लास्ट चीज़ है, प्रूफ रीड। जी हाँ, बिडिंग भेजने से पहले आपको एक बार प्रूफ रीड अवश्य कर लेना चाहिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गया, क्योंकि मिस्टेक एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपको जॉब न देने का। तो न्यू फ्रीलांसर स्पेशली आप लोग ध्यान रखें इन बुलेट्स पॉइंट को, और इसके हिसाब से आप बिडिंग करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आना है। इसके साथ ही साथ आपको क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, जी हाँ, न्यू बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं कि कुछ भी भर दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। मैंने इसको 4 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए बिड करते समय। सबसे पहला कि जेनरिक प्रपोजल्स, मतलब कॉपी पेस्टेबल आपको ना काम नहीं करना है कि सेम कॉपी पेस्ट, 8 बिड है तो 8ों बिड में सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, आप डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लिखें। जो दूसरा चीज़ अवॉइड करने वाली बात है कि आप उसी बिड पे आप भरें जिस बिड पे आप स्किल्ड हैं, मतलब जिस बिड को आप कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो नोट करने वाली बात है कि आप जब बिड भरें तो इतना भी लो अमाउंट ना कर दें। जी हाँ, इतना भी लो अमाउंट ना कर दें कि आपको जो जॉब दिया है उसे सोचेगा एक जस्ट जॉब के लिए इसने अप्लाई कर दिया बिडिंग के लिए और काम तो कर नहीं पाएगा ये। तो आप मीडियम रखें, आप देखें कि जो लोग पहले भरे हैं वो किस हिसाब से भरे हैं। आप अगर आपने भर भी दिया ज़्यादा या कम, तो उसको एडिट करके आप उसको एक मिड लेवल का ला सकते हैं। जो लास्ट चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड, कि यहाँ पे फ्रीलांसर पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करनी है, ना किसी से मांगनी है, ना किसी को देनी है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कि बिडिंग कैसे करते हैं और इस पे माइलस्टोन कैसे क्रिएट करते हैं। अब फ्रेंड आपको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स, जी हाँ कुछ ऐसे टिप्स जिसको स्पेशली ये टिप्स जो है आप न्यूबी यानी नए फ्रीलांसर हैं उनके लिए ये स्पेशली रामबाण काम करेगा। जी हाँ फ्रेंड कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि शायद आपको पता नहीं होगा और इनफैक्ट इस पे जो अकाउंट 1-2 साल से खोल रखा है इन्होंने कि लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल पाया है उसका रीज़न यही है कि उनको ये टिप्स नहीं पता। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी गलतियाँ जो करते हैं नए फ्रीलांसर उनको अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से हेल्प मिला है और मेरी मेहनत के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ जो नीचे जो रेड बटन है उस पर जाकर के एक बार क्लिक करें और उसके बाद घंटे के पिक्चर आएगा उसको दबाएं। इससे होगा क्या, जो भी मैं वीडियो नया डालूंगा जो जिसमें मैं आपको पार्ट टाइम फुल टाइम और ऑनलाइन जॉब के तरीके आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ में होगा, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में जाकर के आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड इसी के साथ थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।